हाँ जी, तो ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये CMA स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे इस वीडियो के थ्रू तो शायद उन तक बात पहुँचेंगी, अदरवाइज वीडियो में बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो बात नहीं पहुँचेगी। मैं बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लेरिफाई कर दीजिए कि एग्ज़ाम्स कौन से मंथ में होने हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऑनलाइन होने हैं ऑफलाइन होने हैं ये बात बता दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ पर अभी भी उनके दिमाग में क्लेरिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं टैक्स के एग्ज़ाम्स की बात करूं, अगर टैक्स के एग्ज़ाम है तो क्या प्रैक्टिकल पैटर्न होना है, कैसे MCQs होंगे, क्या मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है। जो बिट क्वेश्चन आपने सजेस्ट किए हैं वो सिर्फ वन मार्कर क्वेश्चन है, बट क्या बिट क्वेश्चंस के अलावा बड़े क्वेश्चंस भी MCQs में आएंगे, और क्या पिछले एग्जामिनेशन पैटर्न जैसा ही इस वाला एग्जाम पैटर्न होगा, क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ नया होगा, तो वो कुछ कुछ आइडिया दे दीजिए प्लीज़। और बच्चों को इस बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। सेकंड थिंग, CMA इंस्टीट्यूट से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे को एक मंथ पता होना चाहिए हमें कि कौन से मंथ में एग्ज़ाम्स होने हैं। और अगर मान लो जुलाई में होने हैं, अगस्त में होने हैं, जुलाई अगस्त में तो चलो मेरे को नहीं लगता होंगे, बट अगर सेप्टेम्बर मंथ में होने हैं तो एटलीस्ट हमें एक मंथ बता दें, बच्चा उस हिसाब से टारगेट करके चले और पढ़ाई करता रहे। क्योंकि जब तक उनके सामने टारगेट नहीं होगा, उनके सामने कोई मंथ की क्लेरिफिकेशन नहीं होगी, कभी बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये एक अंधेरे में रखने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, और बच्चा डिस्ट्रैक्ट है, बच्चे को अभी इश्यूज आ रहे हैं। पहले से कोविड की सिचुएशन की बात करें तो पहले से बेटर है सिचुएशन, अब वो सिचुएशन तो नहीं, बट हाँ एक थर्ड वेव के आने की बात हो रही है, जो डेल्टा म्यूटेंट की बात हो रही है, तो वो ये जो बातें हैं इंस्टीट्यूट को इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, एक टारगेट डेट तो रखनी पड़ेगी। या फिर वो लोग ये सोच रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ एक एटलीस्ट एक मंथ उनको बता दिया जाए बच्चों को कि कौन से मंथ में एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, चाहे एग्जैक्ट डेट्स मत बताओ बट एक मंथ पता होना ज़रूरी है। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लेरिफिकेशन, आई होप सारे स्टूडेंट्स ये लोग सारे स्टूडेंट्स चाहते होंगे, सारी फेटर्निटी ये चाहती है कि हमें पता हो इस बारे में। और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इस वीडियो के ज़रिए कमेंट्स सेक्शन के अंदर इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करें और इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आई होप इंस्टीट्यूट इन दो बातों का आंसर ज़रूर जल्दी से जल्दी देगा, बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए, आई होप इंस्टीट्यूट आंसर जल्दी से जल्दी देगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो, आपका काम है पढ़ना, आपको पढ़ने के मतलब आपको बहाने नहीं ढूंढने कि भाई जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे हम पढ़ाई, हमारे पास कोई मंथ नहीं है। हाँ, मैं भी यही उम्मीद से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी नोटिफिकेशन अनाउंस कर देगा कि कौन से मंथ में एग्ज़ाम्स लेंगे। थैंक यू।